फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन ताज पहनकर महाकाल के दर्शन करने से बड़ा बवाल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में ताज पहनकर दर्शन करने पर विवाद हो गया। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने ताज पहनकर महाकाल के दर्शन किए हैं, जिसको लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं और उनके सामने किसी भी व्यक्ति को सिर पर पगड़ी, टोपी या ताज पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन होता है। जो हमारी उज्जैन की ही बालिका है, वो मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बात है उज्जैन के लिए, और भगवान महाकाल उसे और यशस्वी भी करे। लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वो वहाँ जाकर वो ताज हाथों में ले जाके भगवान महाकाल की यदि शरण में रख के और उनसे प्रार्थना करती तो उससे उसका मान भी बढ़ता, सम्मान भी बढ़ता, और ताज जो है उसके जो सर पे आया है वो सदैव बना भी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना थी। लेकिन मर्यादा के अनुकूल ऐसे लोगों को काम करना चाहिए। फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। जिस वक्त निकिता दर्शन कर रही थी उस वक्त उनके सर पर ताज था। उन्होंने ताज पहनकर महाकाल के दर्शन किए, अब इसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने मिस निकिता के मंदिर दर्शन को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि महाकाल मंदिर की कुछ मर्यादा है, यहाँ का एक प्रोटोकॉल भी है और एक ड्रेस कोड भी है। ड्रेस कोड जो है उसकी मर्यादा का पालन करना होता है। भगवान महाकाल अवंतिका के राजा हैं और राजा के सामने जाने के कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। महाकाल के सामने ना तो पगड़ी बांधकर, ना सिर पर कफन या कपड़ा बांधकर और ना टोपी पहनकर जाते हैं। ये महाकाल महाराज के राजाधिराज की मर्यादा है और उसका पालन भी मंदिर समिति समय समय पर करती है। लेकिन जिस वक्त फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल दर्शन कर रही थी तो उन्होंने ताज पहना हुआ था, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया में जमकर चर्चा हो रही है। कुछ लोग का कहना है कि हो सकता है फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल को इन नियमों के बारे में जानकारी ना हो और वो अनजाने में ताज पहनकर दर्शन के लिए पहुंच गई। मैं यही कहना चाहूंगी कि महाकाल बाबा की वजह से आज मैं हूँ जो वो हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैं अपने पापा के सामने भी एक क्राउन पहन के गई उन्हें बताने के लिए कि देखो आपने जो मुझे बनाया मैं आज वो हूँ। तो बाबा के सामने भी मैं क्राउन पहन के गई उन्हें दिखाने के लिए कि बाबा आपकी बेटी कुछ करके आई है और मुझे पता है बाबा का पूरा आशीर्वाद मुझ पे है और वो वर्ल्ड का क्राउन भी मेरे सिर पे ऐसे ही बनाए रखे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि निकिता को भगवान महाकाल के दर्शन के पहले नियमों के बारे में पता होना चाहिए था और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हकीकत चाहे जो हो, लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।